नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं इसे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशंस। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में हम एक अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित हैं। इसीलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे हम तीन अलग अलग उदाहरण दिए हैं। ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, बटे में लिखी हैं। शेषफलों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या आप कोई प्रतिरूप यानी कोई पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको दशमलव प्रसार भी होते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, संख्या रेखा पे उन्हें कैसे कैसे निरूपित किया जाता है, परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार से कैसे पहचाना जा सकता है, अपरिमेय को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके बारे में यहाँ जिक्र होगा। तो उदाहरण के लिए लिखा है कि 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10/3 था, 10/3, तो अब हमने उसको जो वैसे मतलब भाग दिया। ठीक है, तो आप जैसे भी भाग देना जानते हो, हमने वैसे भाग दिया। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ऐसे भाग देते हैं, जैसे 10/3 है तो इसको ऐसे भाग देते हैं कि ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। ठीक है, अब 3 का पहाड़ पड़ेंगे कि 10 या इससे कम आए, तो 3 × 3 = 9, तो 10 में से 9 = 1। ठीक है, अब यहाँ पे हासिल उतरने के लिए नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, दशमलव, तो 1 0 उतर जाएगा हासिल। फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो फिर दोबारा 3 × 3 = 9। ठीक है, फिर हम घटाएंगे, 1 आएगा, दशमलव अब लग चुका है तो अपने आप हासिल 0 तक आता है, फिर 3 × 3 = 9। ठीक है, ऐसे देखोगे कि बार बार एक ही शेष बचेगा। ठीक है, तो यानी पहले वाले का जो आंसर आया वो 3.333 आया। ठीक है, ऐसे दूसरा था 7/8, तो 7/8। ठीक है, तो 8 से इसको भाग दिया जाएगा तो 0 लेंगे, क्योंकि 8 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो 0.0 लेने से 0 बढ़ जाएगा, तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 72, 8 × 8 = 64, तो 8 × 8 = 64 ले लेंगे। दशमलव यहाँ लग चुका है, अपने आप हासिल आ जाएगा। फिर 8 × 7 = 56 ले लेंगे, फिर हासिल 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 8 × 5 = 40। ठीक है, तो ये पूरा आ गया आपका दशमलव। ये तो बार बार ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो 3 बिंदु लगा के छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि ये पूरा पूरा भाग हो गया। अब तीसरा देखते हैं, 1/7, तो 1/7 था तो उसमें 7 बाहर 1 अंदर और भाग शुरू करेंगे। ठीक है, तो 0 लगाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 7, अब 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, फिर हम दोबारा भाग देंगे 0 लेकर, तो 7 × 4 = 28, अब 2 शेषफल बचेगा, अभी 3 शेषफल था, 2 शेषफल बचा, फिर 0 ले लेंगे, 7 × 2 = 14, तो घटाने पे अब 6 शेषफल बचेगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 7 × 8 = 56, फिर 4 शेषफल आ गया। ठीक है, 4 शेषफल आ गया, फिर 0 ले लेंगे, फिर 7 × 5 = 35, फिर 5 शेषफल आ गया। ठीक है, 50 बना लेंगे, फिर अब ले लेंगे 7 × 7 = 49। ठीक है, तो हमने 1 से शुरू किया था और दोबारा 1 आ गया, तो शेषफल इसमें 3, 2, 6, 4, 5, 7 आया, और 1 से शुरू हुआ था भाग और दोबारा 1 आ गया। अब आगे ऐसे ही ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों तरह के भाग आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा है, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे जो शेषफल था वो हर बार 1, 1, 1, 1 बज रहा था, और जो कि भाजक 3 था, यानी जब 3 से भाग दे रहे थे। यहाँ पे शेषफल 6, 4, 0 आया और भाजक हो गया 8। ठीक है, और शेषफल यहाँ 3, 2, 6, 4, 5, 1 आया, फिर दोबारा वही पैटर्न 3, 2, 6, 4, 5, 1 आता रहेगा,
भाजक क्योंकि सात था। ठीक है, तो यहाँ आपने किन किन बातों पे ध्यान दिया है? आपको कम से कम तीन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी तीन बातें हैं? तो कुछ चरण के बाद शेष या तो शून्य हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देते हैं। या तो पूरा शून्य हो जाएगा शेषफल और खत्म हो जाएगा भाग देना, या इसमें बार बार जैसे एक एक शेषफल बच रहा था और यहाँ बार बार तीन दो छह चार पांच एक, फिर यही पैटर्न तीन दो छह पांच चार एक से पैटर्न बदल रहा था। तो यही दो बातें हो सकती है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों यानी एंट्रियों की संख्या भाजक से कम होती है। एक बट्टा तीन में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है और भाजक तीन है, और एक बट्टे सात में शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में छह प्रविष्टियां यानी छह बार ये ऐसे ऐसे आता है, तो छह बार ऐसे एंट्री आता है और भाजक सात है। तो यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफलों में, तो यानी भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है। जैसे एक बट्टे तीन के लिए भाजक भागफल में तीन की पुनरावृत्ति होती है, वहां पे आपने आंसर देखा था कि 0.333 आया था, और एक बट्टे सात में भी आपने भागफल में यानी जो आंसर आया था भागफल उसमें पुनरावर्ती खंड आया था 14, 28, 57 ऐसे ऐसे आया था। यानी जब हम इसको भाग दे रहे थे तो तीन पॉइंट दोबारा तीन तीन रिपीट हो रहा था, ये शांत हो गया था पूरा भाग हो गया था, लेकिन ये दोबारा रिपीट हो रहा है 14, 28, 57 ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है, तो पढ़ेंगे 0.142857 1, 4, 2, 8, 5, 7 ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके अंदर ये गुण होता है कि उनके अंदर या तो पूरी तरह शांत हो जाती हैं या वो बार बार ऐसे रिपीट होती हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यद्यपि केवल ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमने यह प्रतिरूप प्राप्त किया है, परंतु यह पी बटे क्यू में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में सभी परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। यानी जो ऊपर आपने दो चीज देखी कि भाग देने पर या तो पूरा जीरो हो जाएगा शेषफल, या वो जो शेषफल है वो रिपीट करेगा, और आंसर है या तो वो शांत हो जाएगा यानी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, या वो बार बार उसके अंदर कोई अंक रिपीट होंगे पुनरावर्ती होगी उनकी। ठीक है, तो क्यू से पी को भाग देने पर दो मुख्य बातें घटती हैं, या तो शेषफल शून्य हो जाता है और या कभी भी शून्य नहीं होता, यही दो बातें हैं। ठीक है, या तो पूरा शेषफल क्या हो गया था जीरो हो गया था या वो शून्य नहीं हो रहा था, और तब हमें शेषफलों की एक पुनरावर्ती श्रृंखला प्राप्त होती है। आइए हम प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग विचार करें। तो स्थिति वन, शेष शून्य हो जाता है। सात बटे आठ में आपने देखा था भाग देने पर शून्य हो गया था, तो सात बटे आठ वाले उदाहरण में हमने ये देखा है कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है और सात बटे आठ का दशमलव प्रसार यानी आंसर भाग देने पर 0.875 है। अन्य उदाहरण में एक बटा दो लोगे तो 0.5, इसको भाग दोगे तो 2.55 है। इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या होगा कि वो जो परिमेय संख्या होगी उसको भाग देने पर उसका शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे, वो शेषफल शून्य इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जो नीचे वाला हर है, ऊपर अंश नीचे हर, जो हर है वो दो या पांच का गुणज होता है। तो आठ दो का गुणज है, ये दो का गुणज है, और 250 दो या पांच का गुणज है। ठीक है, तो इसलिए ये शांत है। शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। एक बटा तीन और एक बटे सात वाले उदाहरणों में हम यह पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावर्ती यानी रिपीटेशन होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हम भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है। तो तब हम कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो उदाहरण के लिए एक बटे तीन में तीन तीन रिपीट हो रहा है, एक बटे सात में 1, 4, 2, 8, 5, 7 फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7 फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7 और तीन बिंदु से मतलब आगे चलता रहेगा। तो ऐसी संख्या मतलब ऐसी भी परिमेय संख्या होती है जिनकी जो दशमलव जो आंसर है उसमें बार बार कोई संख्या रिपीट होती रहती है। तो जो रिपीट होती रहती है आंसर पूरा खत्म नहीं होता, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इसको हम कई जने अशांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह देखने के लिए कि एक बटे तीन के भागफल में तीन की पुनरावृत्ति होती है तो हम उसे 0.3 के ऊपर बार यानी छोटा सा एक निशान लगा देते हैं माइनस जैसा,
के इसके रूप में लिखते हैं। तो इसी प्रकार क्योंकि 1/7 के भागफल में अंकों का खंड 1, 4, 2, 8, 5, 7 की पुनरावर्ती होती है, तो इसीलिए हम इसे 1/7 को यहाँ पे बार लगा देंगे जो संख्या रिपीट होती है। तो 0.142857 इसके ऊपर हम ऐसे डंडा लगा देंगे बार, ठीक है, इसके रूप में लिखते हैं। जहाँ अंकों के ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिनकी पुनरावृत्ति होती है, तो इसको हिंदी में दंड बोलते हैं, इंग्लिश में बार, यानी ये संख्या आगे रिपीट होती है। साथ ही अनवसानी आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के दो विकल्प होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के दो विकल्प होते हैं, या तो वो शांत हो जाते हैं या वो अशांत हो जाते हैं, यानी अनवसानी आवर्ती हो जाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अब आप यह मान लीजिए कि संख्या रेखा पे चलने पर आपको 3.142678 जैसी संख्याएं भी प्राप्त होती हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है क्योंकि आगे डेड डैश नहीं लगा है, या 1.272727 ऐसे भी, अर्थात 1.27 के ऊपर बार जैसी संख्या भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो संख्या रेखा में दोनों आएगा क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है, तो जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, ठीक है। तो इससे क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, तो इसका उत्तर है हाँ। इसे हम सिद्ध नहीं करेंगे परंतु कुछ उदाहरण देकर इस तथ्य को प्रदर्शित करेंगे। तो 7 स्थितियां तो सरल हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चनों की बात कर रही है। तो कह रहा है दर्शाइए यानी दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो हमें बताना है कि क्यों एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में वेग कीजिए। परिमेय प्रूफ करने के लिए बस P/Q के रूप में वेग करना होता है, जहां P और Q पूर्णांक है और नीचे वाला Q ≠ 0 है। तो बस ये दशमलव कितने स्थान के आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये दशमलव का निशान छोड़ देंगे और नीचे 6 जीरो ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो और आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। तो बन गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो गया आपका 10 लाख, ठीक है। तो ये बटे में आ गया, तो अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो आइए अब हम उस स्थिति पे विचार करें जबकि दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ये तो शांत था, अब हम पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार जब अनवसानी आवर्ती होती है तो उसे परिमेय संख्या में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 0.3333 और डैश 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 बराबर 0.3 के ऊपर बार, ये दोनों का मतलब एक ही है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q≠0 है। तो क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि 0.3 के ऊपर बार क्या है, अतः आइए हम इसे x मान लेते हैं। तो आप इसे x मान लेंगे और इसे लिखेंगे 0.3333 और डेड डेड डे छोड़ देंगे, 3 से 4 बार आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यही वह स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी होगी, यानी इसके आगे आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक एक अंक रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, तो आपको 10 गुना करना है दोनों तरफ, ठीक है। अगर मान लो 2 अंक रिपीट हो रहा होता तो दोनों पक्षों में 100 गुना करना होता है, तो क्योंकि यहाँ पे एक एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम केवल 10 गुना करेंगे दोनों पक्षों पर। तो दोनों पक्षों में 10 गुना करेंगे यहाँ, तो 10x, यहाँ जब 10 गुना करेंगे तो ये दशमलव पीछे खिसक जाएगा, तो 3.333 बन जाएगा, तो 10 गुना करने से 3.333 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, थोड़ा ध्यान से आप गुना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मान लो 0.333 है और इसको छोड़ दो आगे, तो इसको 10 से गुना करना है, तो इससे करोगे 0000 हो जाएगा, 1 से करोगे तो 3330 हो जाएगा, 0333 0। अब दशमलव कितने स्थान के आगे था, 1, 2, 3 के आगे, तो आप 1, 2, 3 यहाँ लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 3., आगे 0 की कोई मान नहीं होता, तो हो गया 3.33, और ये आगे भी जो 3-3 चल रहा था इसको 0 ना लिख के 3-3-3-3 लिखेंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा 0.3333। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना कि समीकरण
इस दो में से एक घटा देंगे या एक में से दो घटा देंगे। तो हमने क्या किया, इनको हल किया, तो समीकरण दो में से एक घटा दो तो 10x में से 1x घटा दो तो ये 9x आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसमें ये 3.333 में से 0.333 घटा दो तो 3.333 में से 0.333 घटाओगे तो इधर से 0 0 आना लगेगा और ये 3 में 0 गया 3 आ जाएगा घटाने पर, ठीक है। तो सिर्फ 3.00 यानी 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे 9x के बराबर, क्योंकि 10 में से 1 गया 9x। अब ये 9 बटे में आ जाएगा तो 3/9 और जो कि कटने पर जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि 0.333 को परिमेय संख्या के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करो तो उसका आंसर जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दशमलव प्रसार दे देगा, वो शांत या अनवसानी आवृत्ति का हो सकता है, तो आप उसको आपको परिमेय संख्या में व्यक्त करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे अगला 8वां। लिखा है दिखाइए कि 1.2727 यानी 2-2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1.27 के ऊपर बार यानी ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं बार बार, को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो हल कैसे करेंगे, मान लेंगे कि x बराबर 1.27272 डेट है, क्योंकि यहाँ पे दो अंकों के पुनरावृत्ति होती है इसीलिए हम x को 100 से गुना करते हैं। ऐसा करने पर हमें यह प्राप्त होता है, जब यहाँ पे 100 गुना करोगे तो 100x और जब यहाँ 100 गुना करोगे तो 100 में क्योंकि 2 0 है तो ये 0.22 अंकों के पीछे यहाँ आ जाएगा तो 127.22727 हो जाएगा। तो 127.22727 हो जाएगा दोनों पक्षों में 100 गुना करने पे। अब ये समीकरण आपका ये 1 मान लिया जाएगा और ये 2 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या अब हम इसे घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या देखोगे 27 27 सेम है, दशमलव के बाद 27 27 सेम है, जब दशमलव के बाद अंक समान हो जाते हैं तो इन्हें हम घटा सकते हैं। अब आप इसे घटा देंगे तो 100x में से ये वाला x घट जाएगा तो 99x बचेगा और ये 127.27 27 में से 1.27 27 घटाओगे तो 126 बचेगा, वो 99 बटे में आ जाएगा 26 के, इसको 3 के पड़े से काट दोगे तो पहले हम 3 के पड़े से काटेंगे, ठीक है, फिर 3 के पड़े से यानी 9 के पड़े से काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14/11 आंसर, जो कि परिमेय संख्या है और बटे में है, ठीक है। आप इसका कह रहा है कि इसके विलोम की भी जांच कर सकते हैं, 14 को 11 से भाग दोगे तो बार बार ऐसे ही आंसर आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग देते थे, अब भाग देने के बाद जो आंसर आता था तो उल्टा हो गया कि अब आपको आंसर दे देगा और आपको जो भाग दी गई थी परिमेय संख्या पता करनी होती है, ठीक है। तीसरा चीज देखेंगे, मतलब 9वां उदाहरण, दिखाइए कि 0.23523 पहले 2 को छोड़ दिया है तो 3535 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2 को छोड़कर 3 3 5 रिपीट हो रहा है तो दोनों पे बार है, इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो मान लीजिए कि x बराबर 0.235 बार है, तो यहाँ पे यह देखिए कि 2 की पुनरावृत्ति नहीं होती है परंतु खंड जो 3 5 है उसकी पुनरावृत्ति यानी रिपीट होती है, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए हम x को 100 से गुना करते हैं। ऐसा करने पे हम जब 2 मतलब गुना करेंगे 100 से तो ये 100x हो जाएगा, ये साइड 100x हो जाएगा और ये 100 गुना करने पे 2 और 3 आगे जाएगा तो 23.535353 हो जाएगा, ठीक है। अब 535353 रिपीट हो रहा है तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण इस 2 में से 1 घटा देंगे तो 100 में से 1 घट जाएगा तो 99x और 23.5353 से इसे घटा देंगे, इसको तो घटा के दिखाता हूँ मैं आपको, तो कितना आया था 23.5353 ऐसे ऐसे आया था। अब उसको घटाना है उसमें से 0.5 क्या घटाना है तो 23535 ऐसे घटाना है, ठीक है। तो जब घटाओगे तो 0.00023 तो 23.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 23.3 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाओगे 1.10 और आ जाएगा, ये 99 इधर आ जाएगा, 990 तो 233/990 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो इसके विलोम अगर आप इसे भाग दोगे तो आपको यही आंसर आएगा, ये जांच कर सकते हो आप, ठीक है। तो अतः अनवसानी
आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पी और क्यू पूर्णांक है। आइए हम अपने परिणामों को संक्षिप्त में इस प्रकार व्यक्त करें। तो हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है, यह आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है लेकिन ये चीजें बहुत ही काम की हैं। ठीक है, आप इसको बड़े सब्र से ही सीख पाएंगे। तो लिखते हैं कि अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, वो आवर्ती था, ये अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत या अनवसानी आवर्ती। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो अंडर रूट में होती हैं, पाई में होती हैं, ठीक है, या फिर ऐसी संख्याएं होती हैं 0.10110110 ऐसे बढ़ती हैं, तो इनको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इनके जो दशमलव प्रसार होते हैं उसको क्या बोलते हैं कि उनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अतः ऊपर परिमेय संख्याओं के लिए बताए गए गुण के समान है परिमेय संख्याओं का गुण यह होता है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। विलोमतः वह संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो पिछले अनुच्छेद में हमने एक अपरिमेय संख्या की बात की थी, ये वाली, तो इसकी चर्चा की थी। अब मान लीजिए ये कोई संख्या है तो ध्यान दीजिए कि यह अनवसानी आवर्ती है, अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह अपरिमेय है। और साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप S के समरूप अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं। आप ऐसे जितने चाहे लिख सकते हैं, पहले एक लिखो फिर एक जीरो, फिर दो बार एक लिखो फिर एक जीरो, फिर तीन बार एक एक लिखो फिर एक जीरो, फिर चार बार एक एक लिखो एक जीरो। ऐसे आप दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, बहुत सारी लिख सकते हो। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, लिखा है कि सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्या रूट दो और पाई के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ कुछ चरण तक उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। रूट दो का मान अगर आप कोशिश करते हो करने की तो ऐसे 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 चलता ही रहेगा। पाई का मान जो कि 22/7 होता है, अगर आप उसको भी भाग दोगे तो वो भी ऐसे 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 चलता रहेगा, पूरा भाग नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए कि हम प्राय 22/7 को पाई का एक सन्निकट मान मानते हैं, जबकि पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, तब भी ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। वर्षों से गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीक विकसित की है। उदाहरण के लिए संभवतः आपने विभाजन विधि डिवीजन मेथड से रूट दो के दशमलव प्रसार में अंकों के मान ज्ञात अवश्य ही सीखा होगा। यह एक रोचक बात है कि सुलभ सूत्रों यानी जीवा नियमों में जो वैदिक युग 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के गणितीय ग्रंथ हैं, हमें रूट दो का सन्निकट मान प्राप्त होता है जो यह है। रूट दो का मान मतलब इतना बताया गया है, तो ये सब आपको इतना नहीं जानना है। तो ध्यान दीजिए कि यह वही है जो कि ऊपर प्रथम 5 दशमलव स्थानों तक के दिया गया है। जो ऊपर जो 5 दशमलव स्थान था ये भी वही आया है। देखो यहाँ पे पुरानी टेक्निक से निकाला होगा इसलिए इसका आंसर ऐसे निकला है। तो पाई के दशमलव प्रसार से अधिक अंक प्राप्त करने का इतिहास काफी रोचक रहा है। तो बस आपको इसमें यही सिखाया गया है कि जो रूट में संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है, जो पाई होता है वो भी अपरिमेय होता है, और 0.1 लिख के 1 0, फिर 1 लिख के 2 0, फिर 1 लिख के 3 0, ऐसे इस पैटर्न में कोई लिखा जाए तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर। यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी गई है आर्कमिडीज के बारे में, जो भी नौवीं में साइंस में भी आप पढ़ोगे। यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्कमिडीज ही वह प्रथम या पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसारों में अंकों को अभिकलित किया था। उसने यह दिखाया कि 3.140845 से बड़ा होता है पाई और 3.142857 से छोटा होता है। आर्यभट्ट जो कि 456 से 550 ईस्वी में थे, ने जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे,
तो 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान 3.146 ज्ञात किया था। उच्च चाल कंप्यूटर और उन्नत कलन विधियों का प्रयोग करके 1.24 मिलियन से भी आगे ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। तो यानी पाई का मान कभी पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, तो पाई को हमने अपरिमेय संख्या इसलिए मान लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस प्रकार अपरिमेय संख्याएं प्राप्त की जाती है। ये है क्वेश्चन उदाहरण 10। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। पहले आप 1/7 को भाग देंगे जो कि ये आएगा, फिर आप 2/7 को भाग देंगे तो जो कि ये आएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भाग करके निकाल लेंगे जैसे आप करते हैं। ठीक है, ऐसे भाग देंगे। फिर इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच स्थित अनवसानी अनावर्ती होती हो। तो इस प्रकार के आप परिमित रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आपको 1.14 आ रहा है, दशमलव के बाद 1.4 आ रहा है और दशमलव बाद 2.8 आ रहा है। तो 1.4 और 2.8 के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे आपने 15 ले ली, तो 15 लिखे 1 0, फिर 15 लिखे 2 0, 15 लिखे 3 0, 15 लिखे 4 0 और 3 डॉट लगा दोगे तो यही वो परिमित संख्या है। आप 15 के अलावा 14 और 28 के बीच में, यानी इस 14 और 28 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, वो भी आपका परिमेय संख्या ही बनेगा। ठीक है।